असलम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे माई सेल्फ मोहम्मद जुनेदू लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे फेडरल पब्लिसिटी कमीशन का जो लेक्चर और इंस्ट्रक्टर का पेपर येस्टरडे कंडक्ट हुआ ट्वेंटी नाइन्थ अक्टूबर को आज इस पेपर को अच्छे से डिस्कस करेंगे स्पेशली जो केमिस्ट्री का पोर्शन है यहाँ पे हम 50 बाई फिफ्टी एम सी क्यू जो हमने कलेक्ट की है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स तो आज हम इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे एंड दिस क्रेडिट गोज़ टू यू ये ओनली प्लेटफार्म है कि जहाँ पे आपको जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम होते हैं बर वक्त यहाँ पर डिस्कशन करवाई जाती है और आपको कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है एंड दिस क्रेडिट गोज़ टू स्टूडेंट्स वो जो है फ़ौरन uh, जो है टेस्ट होने के बाद जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग तक शेयर करते हैं जिसको हम कंपाइल करके आप लोगों तक हम प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह जो है इनशाला आपको नेक्स्ट भी जितने भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम होंगे लेक्चर एस 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 जिस प्रोवेंस से भी रिलेटेड होंगे इनशाला आपको जो सबसे पहले डिस्कशन जो है इनशाला आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी तो इस तरह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इनशाला आपको नेक्स्ट इस तरह की अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी ओके स्टूडेंट्स तो आज हम बात करेंगे एफ बी एस सी लेक्चर इंस्ट्रक्टर का पेपर की जो कि के बहुत केमिस्ट्री uh, का पोर्शन वेरी इजिएस्ट पोर्शन था और एफ एस सी लेवल के क्वेश्चन थे और आज हम ये भी बात करेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है इवन uh, कि यहाँ पे जो इंग्लिश का पोर्शन था जो लोग uh, ये टेस्ट जो अटैम्प्ट करके आए हैं कि काफ़ी टफ था सनोनम्स और एंटोनम लेकिन केमिस्ट्री का पोर्शन जो था वो नॉर्मल यानी कि पोर्शन था एफ एस सी लेवल का था तो लेट्स स्टार्ट के डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन बॉन्ड प्रेजेंट इन दी एच एफ मालिक्यूल एच एफ के अंदर जो है बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है दिस इज दी कोवलैंड बॉन्ड है और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने की वजह से फ्लोरीन की दिस इज दीसीदी पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है अगर स्टेटमेंट इस तरह की होती कि बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन दी मालिक्यूल्स ऑफ एच एफ एच एफ और एच एफ के मालिक्यूल के बीच में तो वो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता तो ये आपने स्टेटमेंट को देखना है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर टू है इफ गैस याद रखियेगा कि आपने क्या करना होता है, पे आपने जो है ना वो सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है आपने उसको केल वन में कन्वर्ट करना होता है तो यहाँ पे जो आपका इनिशियल टेम्परेचर गिवन है टी वन दिस जीरो डिग्री एंड प्लस टू सेवन थ्री करेंगे तो ये आपका टू से यहाँ पेल वन टेम्परेचर बनेगा टी वन और वॉल्यूम जो है ये V1 जो है वो वन लीटर है इसी तरह पूछा गया कि एट व्हाट टेम्परेचर T2 पूछा गया है एंड वॉल्यूम विल बिकम डबल तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो टू लीटर हो जाएगा डबल तो बिल बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे तो यहाँ पे आपका चार्लीस लाख अप्लाई होता है तो वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू वी टू ओवर टी टू तो यहाँ पे वी वन जो है दिस इज़ दन लीटर एंड जो टेम्परेचर टी वन है आपका वो आपका टू सेवनटी थ्री है एंड वॉल्यूम डबल हो चुका है तो टू लीटर हो जाएगा और टी टू आपने डिटर्मिन करना है तो दिस इज दी टी टू और यहाँ पे आप टू सेवेंटी थ्री मल्टीप्लाई टू से मल्टीप्लाई करें तो ये पाँच सौ छियालीस कैलवन आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी एफ के एग्जाम में रिपीट हो चुका है मुझे ऐसे लग रहा है तो अगर आप ये कैलवन में है यहाँ पे देखें तो वैल्यूज़ कोई भी कैलवन में नहीं है तो आप इसको दोबारा जो है अगेन डिग्री में कन्वर्ट करें सेंटीग्रेड में तो ये आपका -273 करेंगे तो ये आपका 273 डिग्री uh, सेंटीग्रेड आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है चार लिया है क्वेश्चन नंबर थ्री रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन का जो बोहर ने फार्मूला कैलकुलेट uh, किया था वो हमारे पास था रेडियस इज इक्वल टू द 0.529 एंगस्ट्रॉम ये था एंड n का स्क्वायर एन इज नंबर ऑफ शेल तो फोर्थ आर्बिट की बात हो रही है तो आर इज इक्वल टू फोर का स्केयर कितना होता है सिक्सटीन सिक्सटीन मल्टीप्लाई जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इसका जो करेक्ट ऑप्शन आना आई चाहिए आना चाहिए तो वो आपका एट पॉइंट फोर जो है एंगस्ट्रॉम यूनिट में आना चाहिए एट पॉइंट फोर तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा नन ऑफ दिस एट पॉइंट फोर एंगस्ट्रॉम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कहता है कि मैग्नीच्यूड ऑफ चार्ज ऑन द पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू दी यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हुए होंगे एंड बिल्कुल यहाँ पे क्योंकि इम्बिगुअस क्वेश्चन है यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे उसने यहाँ पे बल्कि मैंशन किया है यहाँ पे कि मैग्नीच्यूड ऑफ चार्ज तो यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि चार्ज कितना होना चाहिए अगर तो सिंपली पूछता कि चार्ज और पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू दी फिर आपको करेक्ट ऑप्शन प्रोटॉन होना चाहिए लेकिन जब मैग्नीच्यूड की बात की है तो मैग्नीच्यूड जो होती है चार्ज की वो आपकी 1.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाट टेन माइनस नाइनटीन होती है पॉजिट्रॉन के केस में सेम प्रोटॉन के केस में भी यही होती है चार्ज की और इलेक्ट्रॉन जो कि एंटी पार्टिकल है किसका पॉजिट्रॉन का तो उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होती है तो यहाँ पे दोनों करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन तो अब एफ ने किसके अकॉर्डिंग की बनाई है लेकिन एग्जैक्ट में एक्चुअल में देखा जाए तो इसके दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं ठीक है स्टूडेंट ये नोट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव है एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी तो बेकोरल होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स है एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच इज इक्वल टू होती यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक की होगी और कंफ्यूज भी उन्होंने किया बहुत ज्यादा किया है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर चेंज इन इंथालपी जो होता है इट इज इक्वल टू दी क्यू के इक्वल होता है क्यू यहाँ पे पी लिखा होता है क्योंकि उसने ऑलरेडी कह दिया कि कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो डेल एच इज इक्वल टू क्यू यहां पर डेल एच इज नॉट इक्ल टू दू नोट कर लें स्टेट फंक्शन वो होता है जो इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करता है तो वहां पे हम डेल का साइन लगाते हैं तो यहाँ पे क्यू के साथ डेल का साइन एक्चुअल में नहीं आना चाहिए हाँ अगर वो अलग बात है कि एफ ने मिस्टेकनली दिया हो और की में उन्होंने सी इंक्लूड कर दिया लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे डेल क्यू ऑप्शन नहीं बनता यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी ही बनेगा क्योंकि जो हीट है और उसके साथ साथ जो वर्क है वर्क एंड हीट ये दोनों जो है पाथ फंक्शन है दे आर नॉट स्टेट फंक्शन तो ये इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करते तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो नॉट है हाँ की के अकॉर्डिंग उन्होंने अगर डेल क्यू किया तो उनकी मर्जी है भाई एफ बी एस सी को क्या कह सकते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन है विच ऑफ फॉलोइंग शो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आयनिक जो क्रिस्टल्स होते हैं इनमें जो है वो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है यहाँ पे अगर हम बात करें तो आयनिक क्रिस्टल्स हाई डेंसिटी ऑफ आयन जो होती है वो उसको लाइट को रिफ्रैक्ट करती है तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव रिफ्लेक्ट करती है तो रिफ्लैक्टमेंट इंडेक्स जो है जनरली आयनिक क्रिस्टल्स का होता है हाँ कुछ कोवलेंट कंपाउंड होते हैं बहुत फ्यू केसेस हैं जिस तरह डायमेड हो गए उनका रिफ्लेक्टर बहुत ज्यादा हाई होता है लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो आयनिक क्रिस्टल्स का सबसे ज्यादा होता है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर एट है इन विच ऑफ द दस के पी इज ग्रेटर देन के सी तो के पी उस वक्त के सी से ग्रेटर होता है जब आपका जो डेल एन की वैल्यू होती है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन रिएक्टेंट या डेल एन की वैल्यू पॉजिटिव होती है जब आपके प्रोडक्ट के मोल्स प्रोडक्ट के मोल्स ग्रेटर होते हैं रिएक्टेंट के मोल से तो देन आपका के पी जो है वो ग्रेटर देन होता है के सी तो ऑप्शंस में भी यानी कि इंबिगटी हो सकती है क्योंकि डिफरेंट सोर्ससेस से कलेक्ट किए हैं ऑप्शन में भी स्टेटमेंट में भी अगर जहां पर आपको लगे कि स्टेटमेंट में एरर है या ऑप्शन में कोई एरर है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डेल एन की वैल्यू जीरो होती है ओके स्टूडेंट यहाँ पे दोनों के पी के okay, सी इक्वल होता है यहाँ पे भी डेल एन की वैल्यू जीरो है और यहाँ पे देखें तो डेल एन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है ठीक है तो यहाँ पे तीनों जो है इक्वेशंस हैं है दीज आर नॉट करेक्ट इक्वेशंस हैं तो यहाँ पे के पी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा इन दोनों केसेस में इन तीनों केसेस में जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन नंबर नाइन है ओजोन इज कन्वर्टेड इंटू दी ऑक्सीजन और इसकी के सी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट पूछा गया कि इनकोरेक्ट है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर नाइन का करेक्ट ऑप्शन है वो ए है क्योंकि यहाँ पे देखें देखें स्टूडेंट्स के सी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है इट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनता है वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन होता है और इट मीन कि आपको जो ओजोन का मालिक्यूल है दिस इज दी अनस्टेबल और ऑक्सीजन का मालिक्यूल स्टेबल होता है जब भी रिएक्शन आपका प्रोसीड होता है प्रोडक्ट की तरफ जाता है तो वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो यहाँ पे आपका ओ टू स्टेबल है ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल ये करेक्ट स्टेटमेंट है इसी तरह कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन एन लेस यस यहाँ पे जो ओजोन है वो जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो चुका है ओ टू में तो जब के सी क्यूल टेन डेज के ऊपर फिफ्टी फाइव है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट जो बहुत ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ऑफ अजून लेस ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है तो यहाँ पे ये इनकोरेक्ट है इज स्टेबल पे अनस्टेबल है जिसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है और सारे का सारा ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो चुका है तो यहां करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर है एट जीरो इन ट्रॉपी इज इक्वल टू जीरो विच लॉ ऑफ थर्मोडायनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है काफी दफा एफ पी एस सी ने रिपीट भी किया है तो तो दिस इज दर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक कहते हैं उ मैनी नंबर ऑफ हाउ मैनी नंबर ऑफ यहां पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम तो सेवन टोटल क्रिस्टल सिस्टम मौजूद हैं सिंपल क्वेश्चन है आफ्टर फिलिंग द सिंगल इलेक्ट्रॉन जब आप सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं तो उसके बाद जो डब्ल्यू इलेक्ट्रॉन आता है तो बेसिकली दिस इज ड्यू टू दी हॉन्ड्स रूल के अकॉर्डिंग इसको फिलिंग करते हैं सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री है कंप्लीट डिहाइड्रोजीनेशन सॉरी कंप्लीट डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल पे वर्ड कंप्लीट हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि हाई टेम्परेचर के ऊपर जब कंप्लीट इसकी डिहाइड्रेशन होती है तो यहाँ पे एथेनॉल इज कन्वर्टेड इन टू दिन नॉट द ईथर पे करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा इथीन रेट ऑफ ई वन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्टाइन बनता है और इसमें जो आपका रेट होता है इज वो क्या आपका जस्ट और जस्ट सबस्ट्रेट के जो है ना वो क्या होता है पे डिपेंड करते हैं ऑनली सबस्टेट क्योंकि आपका आरडीएस स्टेप में जस्ट जस्ट कार्बोकिटाइन होता है तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल जो है दीज आर दी दिव्य एसिड्स हैं क्योंकि लिवियस एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं तो और इलेक्ट्रोफाइल्स भी इनको भी इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत होती है तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा एयर प्रेशर ऑन ओवर बॉडी ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि टिपिकल क्वेश्चन भी था पे इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं देखिए यहां पे पूछा गया है कि एयर प्रेशर ऑन बॉडी बॉडी के ऊपर जो एयर का प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहली बात तो ये है ठीक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे जो प्रेशर होता है जिसको हम जनरली कहते हैं एटीएम इज इक्वल टू टॉर लेकिन एक्चुअल में यहां पे, पे भी इंबिगटी है क्वेश्चन के अंदर क्योंकि उसने पूछा है कि प्रेशर की जब उसने बात की है लेकिन ऑप्शन उसने टन में दिए हैं और ये टन जो हैं बेसिकली दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स नॉट द प्रेशर तो या तो उसको प्रेशर का कहना चाहिए कि आपका जो एयर प्रेशर वो कितना फोर्स डालती है बॉडी के ऊपर तो इस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए चले देख लेते हैं फिर भी तो यहाँ पे देखें तो एटमोसफेयरिक जो प्रेशर है वो वन ए सेवन सिक्सटी टॉर होता है और इसको अगर हम देखें तो ये वन ए जो होता है यहाँ पे यूनिट्स की कन्वर्जन है बेसिकली 1 एटीएम जो है इट इज इक्वल टू दी 1.033 टन पर स्क्वेयर मीटर टन पर स्क्वेयर मीटर जो है ये आपका प्रेशर होता है जो बॉडी के ऊपर होता है और इस तरह यहाँ पे अगर देखें हम तो फोर्स होती है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू चाहिए तो जनरली जो है जो अडल्ट बॉडी होती है उसके ऊपर अगर हम देखें तो वन स्क्वेयर uh, मीटर उसकी यानी कि बॉडी का स्क्वेयर एरिया होता है ऑलमोस्ट 1.5 पॉइंट कह लें या 2 कह लें तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं प्रेशर है 1.033 पॉइंट जीरो वन अगर आप इसको लेट uh, कर लेते हैं एवरेज एरिया तो यहाँ पे आलमोस्ट आपका जो आंसर आता है वो आपका कितना बनेगा ऑलमोस्ट वन पॉइंट कोई फाइव फाइव कुछ बनेगा तो इस तरह यहाँ पे आलमोस्ट जो वैल्यू आती है वो बी आती है वन टेन जनि जो प्रेशर होता है वो आपकी बॉडी पे पड़ता है तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए क्लोज ऑप्शन यही है कैलोमल कैलोमल इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड इज इज एज जो है दिस एच जी टू सी एल टू बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है विच सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंडस एट दिस्मत जितनी भी नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज हैं लाइक उसमें मैंने बात की थी यूरेनियम की है या एक्टीनियम है या थोरियम है इनको नेचुरल रेडियो एक्टिव सीरीज कहते हैं और इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है याद रखिएगा बिस्मत सॉरी लेड होता है जबकि जो हमारे पास सीरीज है नेपचोनियम सीरीज जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो बिस्मत है एंड प्रोडक्ट वो हम बनाते हैं जो हमारा क्या होता है स्टेबल प्रोडक्ट होता है नॉन रेडियो एक्टिव होता है तो के केस में आपका बिस्मित यानी कि बिस्मित 209 वाला बिस्मित जो है आपका स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इसी तरह यूरेनियम में जो है आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो आपका लेड 206 होता है पी 206 और एक्टिनियम सीरीज में आ, जो है ना आपका जो प्रोडक्ट बनता है लेड 207 ये बनता है और उसके साथ साथ जो थोरियम सीरीज होती है उसमें 208 वाला बनता है तो यहां पे बहरहाल सी ऑप्शन करेक्ट होगा नेपटचोनियम सीरीज रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एच एंड ओ तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बेसिकली दिस इज द दूनिवर्सली प्रोपोर्शन टू द मोलर मैसेज अगर आप कहते हैं कि आर वन ओवर आर टू इज इक्वल टू दी ये क्या होता है एम टू ओवर एम वन का अंडर रूट होता है या ओवरऑल आप अंडर रूट ले लें दोनों का तो इस केस में देखें तो दोनों के केस में मैस और रेट के इनवर्स रिलेशन होता है तो यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एच टू एंड ओ टू पूछा गया है तो एच टू का मोलर मैस टू होगा ऑक्सीजन का जो मोलर मैस थर्टी टू होता है तो इसको लेट कर लेते हैं कि दिस इज दर वन हाइड्रोजन है आर टू आपके पास ऑक्सीजन है एंड दिस इज दी एम टू आपके मैथ ऑक्सीजन का है तो थर्टी टू डिवाइडेड बाई टू टू सोलह बत्तीस सोलह के अंडर रूट ले तो ये फोर आता है तो यहाँ पे आ, आपकी जो वैल्यू आती है वो फोर रेशो वन आती है ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन की रिस्पेक्टिवली वैल्यू आती है वो कितनी आती है फोर पॉइंट वन और अगर ऑप्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था तो फिर वन पॉइंट फोर आना चाहिए तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है नाइनटीन का वो आपका स्टूडेंट्स जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो फोर रेशो वन बनेगा तो यहाँ पे बी ऑप्शन है बी इज है यूनिट ऑफ इक्वल टू पे पॉइस को देखें तो पॉइंज इक्वल होता है इसका अगर आप यूनिट का निकालें तो ये न्यूटन सेकेंड का सुकेयर होता है मुरब्बा मीटर और इसको अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें क्योंकि न्यूटन फोर्स है उसका एम एस एम ए किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तो इसमें आपको ग्राम में अगर हम लें तो ये बनता है ग्राम पर सी एम सेकेंड दिस इज द यूनिट ऑफ विसकॉस्ट यहां पे जो बनेगा डायमेंशन ऑफ पीवी पी वी जो है बेसिकली दिस इज वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू पी वी वर्क है और वर्क का यूनिट जो है वो जॉल होता है और इसी तरह सेम अगर हम देखें तो एनर्जी भी है उसका यूनिट भी क्या होता है जॉल होता है तो यहां पे सेम डेगी पी वी एस दी एनर्जी सी ऑप्शन यहां पे है मयरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ का जो यूनिट होता है वो वोल्ट में लेते हैं आपने इलेक्ट्रो कमिश्री में भी पढ़ा होगा जब आप ई एम एफ सेल निकालते हैं तो उसका वोल्ट में लिया जाता है या आप इसको कह सकते हैं जॉल पर कोलिम जॉल पर जॉल पर कोलिम या वोल्ट जो है इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का तो यहां पे नन आएगा नॉट यहां पे कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं है ट्वेंटी थ्री है तो डीप ब्राउन कलर अपेयर होता है यहाँ पे अजान आ रही है तो इसको पहले सुन लेते हैं उसके बाद इन शिस्कशन स्टार्ट करते हैं ओके डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वैन आयोडीन एडिड इन असोल्यूशन कंटेनिंग आयोडाइड आइन डीप ब्राउन कलर अपेयर होता है दिस इज ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ पोलियोडाइड तो ये रिएक्शन भी आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में गिवन है चैप्टर नंबर टू में एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में क्योंकि यहाँ पे देखें तो आयोडीन जो है जब आप इसको डिजोल्व करते हैं इन एक्वा सोल्यूशन ऑफ आयोडाइड आइन तो यहाँ पे इट इज कन्वर्टेड इन टू दी आई नेगेटिव और इस वजह से आपका जो डीप ब्राउन कलर आता है और जब आप कार्बन टेट्राक्लोराइड इसमें टाइट्राक्ड ऐड करते हैं तो ये डीप ब्राउन कलर जो है वो चेंज हो जाता है डिसअपियोर हो जाता है तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है रिएक्ट विद दी इथाइन तो इथाइन के साथ इथाइन इज हाइली रिएक्टिव होता है और एस्टिक नेचर जो शो करती है तो यहाँ पे सिल्वर रिएक्ट करता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो सिल्वर एसिटिलाइड यहाँ पे फॉर्मेशन होती है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है एस्टिक नेचर ऑफ अल्काइन का रिएक्शन यहां पर गिवन होता है ट्वेंटी फाइव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है दी अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड बाई द्रॉडे ऑफ करंट वन फ्रॉडे जो है वो चार्ज है ठीक है पासिंग थ्रू दी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है तो इसमें देखें तो सिल्वर जो है ए जी जो है ए जी प्लस ये वन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करके रिड्यूस होके सिल्वर मेटल सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ साथ जो है जिसका मालिकुलर वेट है सिल्वर का वन जीरो एट है तो यहाँ पे मैथ इज इक्वल टू दी चार्ज जो कि वन फ्राइडे है मल्टीप्लाई मालिकुलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू तो यहाँ पे चार्ज वन फ्रॉडे है वन मल्टीप्लाय मालिकुलर वेट वन जीरो एट होता है सिल्वर का एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो आप देखें तो वन इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका वन जीरो एट ग्राम आंसर आना चाहिए तो यहाँ पे कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा ट्वेंटी सिक्स इलेक्ट्रो सोल्यूशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन है जो कि बहुत सिंपल है ट्वेंटी ग्राम ऑफ एन एच आर डिजोल्व इन दाइव हंड्रेड ग्राम ऑफ वाटर ठीक है वट विल बी दी मोलैलिटी तो मोलैलिटी का सिंपल फार्मूला है मैस मोलर मैस मल्टीप्लाई वन थाउजेंट अगर आप लेते हैं तो आपको वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का वो ग्राम में आपको लेना पड़ता है अदरवाइज के जी में लेते हैं तो बहुत सिंपल है आप कैलकुलेशन करें मोलैलिटी इज इक्वल टू मैस कितना है फाइव हंड्रेड ग्राम है मोलर मैस इसका कितना है एन एच का फोर्टी होता है मल्टीप्लाई वन थाउजेंट डिवाइडेड बाई दी यहाँ पे फाइव हंड्रेड है सॉरी ट्वेंटी ग्राम मैज था एंड फाइव हंड्रेड जो है इसका वॉलीम uh, था तो यहाँ पे देखें तो यहाँ टू जीरो से टू जीरो कैंसल फाइव टू टेन और ये ज़ीरो से जीरो कैंसिल टू, टू टू फोर और टू टू से कैंसिल तो यहाँ पे जो मोलैलिटी आती है इज इक्वल टू वन वन मोलल सोल्यूशन क्या होता है वन मोलल होता है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा ट्वेंटी सिक्स का करेक्ट ऑप्शन सी है ट्वेंटी सेवन है द सोलोबिलिटी ऑफ सोल्यूशन अच्छा यहाँ पे इस बर् इस दफ़ा जो है एफ पी एस सी ने बहुत ही सिंपल नुमेरिकल दिए हैं जो स्टूडेंट्स विदाउट कैलकुलेटर भी है ईजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए हाँ वैल्यू स्मार्ट देनी चाहिए भले नुमेरिकल जिस टाइप का डिफिकल्ट हो लेकिन वैल्यू स्मार्ट देनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स कैलकुलेटर के बगैर भी उसको सॉल्व कर सकें दी सोलोबिलिटी ऑफ सोल्यूशन ए बी गिवन है जिस तरह ये न्यूमेरिकल है जो कि बिल्कुल सिंपल है न्यूमेरिकल का न्यूमेरिकल है लेकिन कैलकुलेशन बहुत सिंपल है यहाँ पे अगर कंप्लेक्स सोलोबिलिटी दे देता हो तो उसकी के एस पी की अंडर रूट निकालना होता और वो ज्यादा यानी कि काम बढ़ जाता तो सोलोबिलिटी ऑफ सोल्यूशन ऑफ ए बी इज जीरो पॉइंट वन मोलर है तो इसका सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं कि हमारे पास ए बी है जो कि स्पेरिंगली सोलोबल सॉल्ट ही होता है ए प्लस एंड बी नेगेटिव तो यहाँ पे देखिए जीरो पॉइंट वन मोलर है तो ये भी जीरो पॉइंट वन बनेगा ये भी जीरो पॉइंट वन इसका के एस पी किस तरह लेते हैं प्रोडक्ट की कंसल्टेशन तो ए की कंसल्टेशन आ जाएगी एंड दिस इज द बी की कंसल्टेशन तो यहाँ पे देखें तो ये भी जीरो पॉइंट वन है ये भी जीरो पॉइंट वन है तो इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा जीरो पॉइंट जीरो 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 पॉइंट जीरो वन आंसर आएगा जीरो पॉइंट जीरो वन यहाँ पे आंसर आएगा तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन है बहुत सिंपल नुमेरिकल था विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैज हाई एक्टिवेशन एनर्जी तो यहाँ पे देखें तो सबसे जो है आ, देखें तो यहाँ पे आ, जिसकी लोएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो प्रोडक्ट में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है आपने देखा कि रिएक्टेंट्स और कन्वर्टेड द दोडक्ट यहाँ पे जो स्लोएस्ट रिएक्शन है वो आपका फॉर्मेशन ऑफ आप डायमेंड है इन द अर्थ क्रस्ट यहाँ पे एक्चुअल में देखें तो यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है एक्सट्रीमली हाई प्रेशर और टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वेरी स्लो रिएक्शन और यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है बैरियर को ब्रेकअप करने के लिए बहुत ज्यादा होती है तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड तो प्लस फाइव है मैंने सिक्स हो जाएगा प्लस वन तो ये ओवरऑल जो है नाइट्रोजन पे प्लस फाइव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है विच ओ दॉलविंग ट्रांजिशन एलिमेंट शो दाइस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है काफी दफे एग्जाम में रिपीट हो चुका है तो मैगानीज जो है इसकी हाईएस्ट प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो बी ऑप्शन करेक्ट है थर्टी वन जिंक मेटल बिलोंग टू दिन मेटल बट फ्रॉम दलरलेस कंपाउंड इट इज ड्यू टू दम्पलीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल तो कलर्ड कंपाउंड के लिए डी ऑर्बिटल के अंदर यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन को होना जरूरी होता है तो इसलिए तो हम इसको यानी कि कलरलेस कंपाउंड में लेके जाते हैं दिस इज दी कम्प्लीटली फेल्ड यूर बिटल तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा बाकी सी ऑप्शन आई थिंक कोई और ऑप्शन था अगर आपको याद है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें ताकि हम जो पेपर कंपाइल करेंगे उसमें इंक्लूड कर दें इस ऑप्शन को थर्टी टू विच ऑफ दोसे एट दी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम तो दिस इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस इसको कहते हैं दिस इज दईसो कोरिक प्रोसेस आइसो बारेक में प्रेशर कॉन्स्टेंट होता है आइसो थर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है एड ये बैटिक में चेंज इन हीट जो है वो आपकी क्यू कॉन्स्टेंट होती है चेंज इन हीट जीरो होता है तो पे पे डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड टाइट्रेटेड विद बनेगाएल एसिड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है जब ये टाइट्रेट करवाते हैं तो इसके रिजल्ट में आपको वीक बेस और स्ट्रॉग एसिड की टाइट्रेशन जो है आपको जो एंड पॉइंट होता है उसकी पी एच की वैल्यू जो होती है वो लेस देन सेवन होती है ठीक है सेवन से थोड़ी सी लो होती है तो ये स्लाइटली आप कह सकते हैं ए ऑप्शन यहां न्यूट्रल सेवन बिल्कुल भी नहीं होती और स्लाइटली बेस तो फिर से होनी चाहिए तो ये भी नहीं होता तो ए एप्शन यहां पे है। 34 है, आ, ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स ये भी बहुत सिंपल न्यूमेरिकल था आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं बहुत सिंपल न्यूमेरिकल थे व्हाट विल बी द इंट्रोपी चेंज इंट्रोपी चेंज के बारे में पूछा गया डेल एस जबकि वन मोल ऑफ वाटर वेपोराइस एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तो एंड लेटेंट हीट और जो वेपराइजेशन है वाटर की वो है 9650 कैलोरी पर मोल तो ये वैल्यू आप देख लीजिएगा कि क्या एग्जाम में आपके टेस्ट के अंदर यही वैल्यू थी और कैलरी में थी तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ ऑप्शन का मुझे नहीं मिला ऑप्शन नहीं मिले तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करवा देता हूँ तो यहाँ पे देखें चेंज इन ट्रॉपी इज़ इक्वल टू तो दी डेल्टा हीट ऑफ वेपोराइजेशन एन डेल टी एन यहाँ पे टी है एन टी एन डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर तो यहाँ पे डेल्टा एस जो है इज इक्वल टू हीट ऑफरादेशन जो है वो यहाँ पे गिवन है नाइंटी सिक्स नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी जो है नंबर ऑफ मोल वन है और टेम्परेचर जो है वो गिवन है हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तो इसको आप कैलवन में कन्वर्ट कर लें तो ये आपका थ्री सेवनटी थ्री कैलवन बन जाएगा तो इसका आंसर आ जाता है ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट कैलरी में कैलरी पर मोल कैलवन

In the presence of sunlight given है और दिस इज दी एल तो जब भी सनलाइट की में होता, तो होता uh, में होता होता है है तो क्योंकि आपके जो रिएक्टेंट हैं ये आपकी आपकीस क्वांटिटी में होते हैं तो यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट यहाँ पे जीरो ऑर्डर है ए ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रॉस्टेड कॉन्सेप्ट एसिड्स आर 37 का बी ऑप्शन डोनर होते हैं और जो वाटर के अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजेलाइन देते हैं उनके अकॉर्डिंग आर्नियस एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो आपकी लिविस जो है वो आपकी बेस होती है बेसिकली थर्टी सेवन का बी ऑप्शन करेक्ट है वेन इथाइल आयोडाइड रिएक्ट विद दी सोडियम मेटल तो यहाँ पर इथाइल आयोडाइड है सी एच थ्री सी एच टू इथाइल आयोडाइड है टू मालिक्यूल्स इथाइल आयोडाइड के टू सोडियम के इथर की प्रेजेंट में रिएक्शन होता है दिस इज वोर्ड्स रिएक्शन तो इसके रिजल्ट में आपको ब्यूटेन मिलती है चार कार्बन वाली अल्केन मिलती है तो दिस इज द ब्यूटेन तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है थर्टी नाइन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियर बॉन्डेड आइटम दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड की डेफिनेशन है फोर्टी विच गैस इज मोर आइडियल आइडियालिटी की तरफ कौन सा पेयर है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है हाइड्रोजन एंड हीलियम जो है दिस आर मोर आइडियल गैसेस फोर्टी वन है और बोरोसिलिकेट गिलास वन ऑफ द मेजर टाइप यूज होती है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा सोडियम कार्बोनेट सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट एंड बी टू ओ थ्री जो है दिस मेक द बोरोसिलिकेट गिलास एंड दे आर यूज इन द द्लास वेयर जबकि आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बिल्कुल यूज नहीं होती और हाँ लेड समटाइम गिलास में यूज होती है तो ये जनरली जो है वो लेबॉरटरी ग्लासवेयर नहीं बनाता है। ये इस तरह के ग्लास को बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है मोस्ट कॉमन न्यूक्लियर रिएक्शन इन द यूनिवर्स यहाँ पे ये भी टिपिकल क्वेश्चन था जब बात यूनिवर्स की आ गई है तो बड़े पैमाने पे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं यूनिवर्स पे सन स्टार्स पे होते हैं एंड दीज आर द फ्यूजन रिएक्शन अगर अर्थ पे आता या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में तो फिर आपका फ्यूशन रिएक्शन होता यूनिवर्स की बात हुई है तो यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन इज द मोर सूटेबल आंसर है ऑफ लाइमन सीरीज या यूवी रीजन में लाई करती है ये वेव लेंथ बालमर सीरीज की आई uh, आर में सॉरी uh, विजिबल में करती है और बाकी जो सीरीज हैं वो आई आर में करती हैं है मर्क्री नॉट वेट द ग्लास बिकॉज क्योंकि इसमें जो क्वेसिव फोर्स होती है इट इज ग्रेटर देन दैन एडहेसिव फोर्सेज तो यहाँ पे बाकी ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आपको याद है तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर सकते हैं तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वोह क्वेसिव फोर्सेस होनी चाहिए दीज आर दी डोमिनेंट फोर्सेस एज कम्पेयर टू द एडहेसिव फोर्सेस तो 45 है पोजीशन ऑफ विच एलिमेंट इज नॉट क्लियर इन टेबल हाइड्रोजन की पोजीशन का झगड़ा अभी तक चल रहा है जिसको सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज विद द फर्स्ट ए ग्रोप और हेलोजन के साथ और कार्बन फैमिली के साथ जो है ना वो uh, देखी जाती हैं तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है विच प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है फोर्टी सेवन है विच स्पोर्ट दि बोहर मॉडल इनमें से कौन सा जो है वो बोहर मॉडल को सपोर्ट करता है प्रिंसिपल जो है वो कंट्राडिक्ट्री मॉडल है आ, आ, बोहर के और इसी तरह यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है सी ऑप्शन यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं तो दिस इज सूटेबल आंसर तो बोहर ने मेडिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट दिया था तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन निकल एंड एलुमिनियम ओलाय दिस इज कॉल्ड द रैनी निकल बाकी ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं दिस इज रैनी निकल करेक्ट ऑप्शन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल कैन बी फील्ड बाई दू एन कस्केर फार्मूला जो हम यूज करते हैं इट इज अकॉर्डिंग टू द नॉट द दफ प्रिंसिपल नॉट द पॉली एक्सप्लेन दिस इज नॉट द रूल तो ये बेसिकली दिस फार्मूला वाज गिवन बाय द बोहर्स तो ये जो नंबर ऑफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स के अंदर तो ये बोहर ने फार्मूला कैलकुलेट किया था तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल होगा दिस इज द करेक्ट ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन है कार्बन uh, मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट करती है एच टू के साथ दिस मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस कहते हैं तो इसके रिजल्ट में आपको मेथनॉल मिलती है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन है इसके साथ साथ इंग्लिश पोर्शन काफी टफ था काफी टफ सिनोनिम्स एंड सैनोनम दिए गए थे टेन एमसीक्यू थी डिफिडेंस और कोटरमिनस एक्सोल्डियम पैलिएटिव ग्रीन और इसी तरह एंटोनम दिए गए थे डिलीशन टेलीशियस डिंगी क्राइटेरियन एंड दिस इज दी प्रियोसिटी तो ये टेन सैनोनम एंटोनम थे uh, इस तरह फाइव एम सी को से रिलेटेड थी कुछ एबजेक्टिव थी और इसके साथ साथ बी एड का पोर्शन भी नॉर्मल uh, टाइप का uh, पोर्शन था इंग्लिश पोर्शन टफ था लेकिन बी का पोर्शन नॉर्मल था अगर हम इसको बात करें कि इसका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या हो सकता है तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है वो 70 या 70 प्लस जो है वो एक्सपेक्टेड होगा बिकॉज क्योंकि केमिस्ट्री पोर्शन जो था वो बिल्कुल नॉर्मल पोर्शन था जो एक अच्छा स्टूडेंट है वो फोर्टी प्लस वो ईजीली यहाँ से ले सकता है तो फोर्टी फाइव से ले सकता है टेन प्लस जो है वो इंग्लिश पोर्शन से भी आप ले सकते हैं और बाकी ट्वेंटी प्लस ईजीली आप बी एड पोर्शन से भी लिए जा सकते हैं तो ऑलमोस्ट इसका जो यानी कि एक्सपेक्टेड मेरिट हो सकता है वो अकॉर्डिंग टू दी माई पॉइंट ऑफ व्यू इस पेपर के अकॉर्डिंग सेवेंटी प्लस हो सकता है ओके स्टूडेंट्स इनशाला आज का जो डिमॉन्स्ट्रेटर का पेपर कंडक्ट हुआ अगर आप लोगों ने क्वेश्चन वो कलेक्ट किए आपको याद हैं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे जो है ना वो मुझे शेयर कर सकते हैं इस तरह के जो पेपर्स कंडक्ट होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है चाहे वो सीनियर केमिस्ट का हो या इसके साथ साथ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड पेपर्स हों इंडस्ट्रियल लेवल पे हो या के पी पी एस सी का हो 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 होप्स हो के नेक्स्ट जो है वो के पी पी एस सी का जो है लेक्चर केमिस्ट्री का टेस्ट जो है फर्स्ट नंबर को कंडक्ट होने जा रहा है होप्स हो इनशाला उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा आपने वो क्वेश्चन शेयर करने हैं एटवान्स और इनशाला उसके बाद इन आपको उस कंप्लीट पेपर की डिस्कशन भी करवाई जाएगी ओके स्टूडेंट्स गुड लक इनशाला ये प्लेटफॉर्म आपको हमेशा सपोर्ट करता रहेगा और इस तरह की जो नई वीडियो है अच्छी वीडियो डिस्कशन वीडियो आपको मिलती रहेंगी तो इनशाला यू विल परफॉर्म द बेस्ट ओके okay, स्टूडेंट इसके साथ साथ मैं कम्प्लीटली जो है स्टूडेंट्स को गाइड करता रहता हूँ और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता रहता हूँ तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ऑफिशियल वाट्सअप चैनल डिजाइंड है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताकि आपको अपडेट मिलती रहे ओके स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़